तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर रेडी फाइन। तो कल हमने क्लास 11 का टॉपिक शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हमने कल क्या समझा था, थोड़ा बहुत किस तरीके से काउंटिंग करी जाती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल समझा था। और उसके बाद हमने थोड़ा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। जिसमें वो वीडियो नहीं देखी आपने, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा फर्स्ट वीडियो का। तो जो भी आज ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। 10th से अभी 11th क्लास में आएंगे, तो अपने स्किल को इम्प्रूव कर, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे, ठीक है। बीच में से कोई भी वीडियो मत देखना पहले, अगर वो आती है देन इट्स फाइन। अगर आपको पता है कि काउंटिंग किस तरीके से करी जाती है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज हम पिक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। अब चलो, यहाँ तक हमने किया था, आज हम नई 7.2 किस से शुरू करेंगे। दैट इज, हम आज किसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फैक्टोरियल का। FACTORIAL, 10th तक ये वर्ड आपने कहीं भी यूज नहीं किया होगा, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल दिखता कैसे है, ये ऐसे भी दिखता है, एल में भी और एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह भी होता है। फैक्टोरियल के दोनों ही सिंबल है। अगर मैं बोल दूँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 × 2 × 1, मतलब एक एक पीछे जाएंगे। अगर मैं बोल रही 4 फैक्टोरियल, तो मतलब 4 से गिनती शुरू होगी बैक, और ये कब तक चलते जाएगा, तब तक हम 1 पे नहीं पहुंच जाते, मतलब एक कम एक कम एक कम। अगर मैं बोल रही 7 फैक्टोरियल, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 3 फैक्टोरियल को इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इस पूरे को लिखने के बजाय हमने इसे शॉर्ट कर दिया, हमने लिख दिया 7 फैक्टोरियल। अगर मैंने बोला, अगर हमें इसको बेसिक रिप्रेजेंटेशन ही देनी है, तो बेसिक कैसे देंगे, एन फैक्टोरियल मतलब एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। मतलब देखिए, कम करते जाएंगे, यहाँ 7 था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ठीक है, इजी है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ, ये देखो, ये आपका 7.2 हो गया, मतलब 7.2 का ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें सारे आप फैक्टोरियल क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करके आप वो सीखोगे। अभी पहला क्वेश्चन है कि 8 फैक्टोरियल बताओ। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पे ये चीज समझ आई थी ना ऊपर, यहाँ पे मैंने बोला एन एन माइनस वन, साथ में से एक कम हुआ 6, तो एन एन माइनस वन, फिर एक कम एन माइनस टू, साथ में से दो ही तो कम हुए तभी तो पहुंच आया, फिर एन माइनस टू, और ऐसे कैरी ऑन चलता रहेगा। तो 8 × 7 कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। हम इजी कैलकुलेशन करते हैं हमने इसकी, 8 × 7 = 56, 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 24। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे, 56 और 3 = 3, 18 कैरी 3 × 15 = 16 × 24। कुछ नहीं करना, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इजी है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे अब इससे अगला क्वेश्चन है, 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, या तो आप ये करोगे, 4 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 4 × 3 × 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 3 × 2 × 1। ये तो इजी है, 4 × 12 = 24 - 3 × 6 24 में से 6 गए तो 18। अगर ये तो इजी है, अगर सपोज करो यहाँ पे आ गए 24 फैक्टोरियल - 23 फैक्टोरियल। अब पूरे को थोड़े ही सॉल्व करने बैठोगे, ये तो इजी था, हमने कर दिया। तो 24 × 23 लिख सकते हो, 24 × 23 फैक्टोरियल -23 फैक्टोरियल। ये 23 का हमने से रोक दिया, अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 23 से अलजेब्रा में करते थे बिल्कुल सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 23 फैक्टोरियल निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा, अंदर इधर से बचा 24, इधर से तो इसे निकाल लिया हमने बाहर, इधर बचा 1, तो 24 - 1 = 23। हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 23 फैक्टोरियल × 20। ट्वेंटी थ्री फैक्टोरियल इंटू 23, फिर 23 फैक्टोरियल को यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल,
थ्री फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, फोर, इधर से फोर बचा, इधर से तो थ्री फैक्टोरियल निकाल लिया, इधर बचा वन, फिर थ्री फैक्टोरियल फोर माइनस वन थ्री, फिर थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बेटा, थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, ठीक है, सेम है बस वो इजी कॉमन तरी कॉमन लेके हमें तरी मतलब पूरे में से कॉमन लेके कैसे करेंगे वो करना सीखा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल इक्वल टू सेवन फैक्टोरियल, कुछ नहीं करना हमें, क्या बताना है, क्या इन दोनों को सम करेंगे तो मतलब आप ऐसे तो नहीं, अब अगर आपको मैं बोलूँ कि फोर प्लस वन फाइव होता है, ठीक है होता है, क्या फोर फैक्टोरियल प्लस वन फैक्टोरियल क्या फाइव फैक्टोरियल होगा, ऐसा कहीं लिखा है? वी हैव टू प्रूव दिस। थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर, थ्री प्लस फोर तो सेवन होता है, नाउ सी थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल, थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये क्या ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तीन दूनी छह, चार तिया बारह दूनी चौबीस, चार तिया बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस प्लस छह क्या है तीस, अब सेवन फैक्टोरियल निकालते हैं राइट हैंड साइड, सात इंटू छह इंटू पांच, ये तो देखने से ही पता लगा बहुत बड़ा आएगा, सात इंटू पांच इंटू छह, छह इंटू पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, तीन दूनी छह, छह चौक चौबीस, पांच एक तीस, तीस सत्तर 210, 210 इंटू तो कुछ भी आएगा बहुत बड़ा आएगा, मल्टीपल आएगा, इसको आगे भी सॉल्व कर लेंगे, तो नहीं है ना ये, तो दैट मीन दिस इज नॉट ट्रू, का टोटल का मतलब होता है पूरा सॉल्व करना, देख के पता चल रहा था, बट उसने अगर बोला तो हम उसके बाद क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन दिस इज नॉट ट्रू, ये जो हम जो क्वेश्चन ने बोला है ये सही नहीं, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट फैक्टोरियल अपॉन में सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, कैसे करेंगे इस तरह टाइप के क्वेश्चन को, सी पूरा सॉल्व करने नहीं बैठता, यहाँ पे आप लोगों को यही सब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी कि बड़े बड़े क्वेश्चन जब होंगे तो नहीं कैसे सॉल्व करना है, सी इस आठ फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आठ इंटू सात इंटू छह फैक्टोरियल, रोक भी नहीं तो रोक सकते हैं ना, आगे छह इंटू पांच, नीचे क्या है छह फैक्टोरियल इंटू दो फैक्टोरियल, छह फैक्टोरियल से छह फैक्टोरियल कट हो जाएगा, टू फैक्टोरियल का होता है टू इंटू वन टू ही होता है, ये कट जाएगा, टू फोर का तो क्या बचा ऊपर, फोर इंटू सेवन दैट इज इक्वल टू फिफ्टी, इजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, फोर सेवन का 28, इजी है, वो मैंने 8 × 7 सोच लिया था, 4 × 7 दैट इज 24, इसका आंसर ये होगा, आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन को भी बन नहीं सकते, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स बाई एट फैक्टोरियल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स निकालो क्या होगा, एक्स की वैल्यू बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो मैं एलसीएम ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स बाय 8 फैक्टोरियल, वी कैन राइट दिस लाइक, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस 8 फैक्टोरियल को तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, एक्स अपॉन में 8 × 7 फैक्टोरियल, मैं से ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल है और इस 7 को चलो अभी इसको ऐसे रहने दो, 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट हो जाएगा ऊपर, देखो 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल ऊपर वाला पार्ट को देखा है, 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल, मैं इसे अगर ऐसे लिख दूँ 7 × 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, कैन वी राइट इट लाइक दिस, 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ से सात, यहाँ से क्या बचा एट, ओके तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट है 6 फैक्टोरियल इंटू 7 + 7 8, और नीचे क्या बचा है यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या बचा नीचे 6 फैक्टोरियल, इधर क्या है बच्चे
एक्स अपॉन 8 बचा खाली, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट दो, कट गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 8 into 8, दैट इज कट गया ना 6 फैक्टोरियल, 8 into 8 64, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 64। इजी, समझ में आया ना, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। इसको वैसे सॉल्व करके करने लगोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी आप लोगों को बेसिक सीखने, और वो इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट करके तरीके सिखा रही हूँ। आई थिंक इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, बताओ क्या होगा। एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, अगर एन की वैल्यू है 6 और आर की वैल्यू है 2, पहला पार्ट मैं एक पार्ट करूंगी, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। उसने बोला एन है 6, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। उसने बोला एन की वैल्यू है 6 और आर है 2, 6 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 into 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल में ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 6 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी है। पर नोटेशन सिर्फ कहते हैं कि मुश्किल है, पर नोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग का गेम है कि आप परसेप्शन किस तरीके से कितनी सटीक और कितनी सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कोई भी कि ना 78 फैक्टोरियल अपॉन 76 फैक्टोरियल बताओ, सारा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। 78 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 78 into 77 into 76 upon 76 फैक्टोरियल ये कट जाएंगे आपस में, 78 और 77 को बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस उसका फैक्टोरियल। बहुत सिंपल है, पूरी 7.2 यही थी, बहुत इजी है। तो वैसे तो मैं सोच रही हूँ किसी के साथ करवा दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। अगली क्लास से शुरू होगा बेसिकली 7.3 आपको परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन के क्वेश्चन। ठीक है, परम्यूटेशन का अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी चीजों को अरेंज करना, या अरेंजमेंट और सिलेक्शन होता है, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लो। जैसे मेरे पास 5 शर्ट है, मैं कह रही हूँ 5 शर्ट को अलमारी में अरेंज कर दो, मतलब अलमारी में लगा दो, अरेंज कर दो, तो कितने तरीके हैं, तो ऊपर नीचे कैसे भी लगा सकते हो, दैट इज परम्यूटेशन। मैं कह रही हूँ इन 5 शर्ट में से कोई भी 3 को सिलेक्ट करो, चूज करो और फिर उसे अलमारी में लगाओ। तो मैंने वहां पे क्या किया, पहले चूज किया, पहले मैंने उन 5 में से कोई 3 ड्रेस अपने लिए निकाली। दिस इज द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, दिस इज द कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर? ओके, तो आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 10.3 के साथ, पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब।